आप सबों का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने लाइफ स्टाइल को ही कैसे सुधारा जाए। इसके बारे में हमने पहली कदम में आपको बताया था कि अपने हेल्दी डाइट को रखना है और एक्सरसाइज देना है। अब हम तीसरी कदम को बताने जा रहे हैं जो कि थर्ड पिलर माना जाता है। मित्रों, इसे बोलते हैं अच्छी तरह से नींद लेना, गुड स्लीपिंग। मित्रों, हमें एक जवान आदमी की, एक वयस्क आदमी की बात की जाए तो 7 to 8 hours पर नाइट हमें सोना चाहिए। और मैं यह भी पूछ लूं आपसे, क्या आपको बेहतर नींद आती है, पर्याप्त नींद आती है? और अगर जवाब आपका नहीं में है तो आप अपने आप को सामान्य ही समझिए, क्योंकि विश्व के 1/3 पॉपुलेशन आपके साथ हैं जो कि सामान्य निद्रा नहीं ले पाते हैं, साउंड स्लीप नहीं ले पाते हैं। आज ये बिल्कुल सामान्य हो गया है। पर यह आप जान लीजिए मित्रों, यह नींद हमारे लिए इतना ही आवश्यक है, परम आवश्यक है, वाइटल है, जितना कि हेल्दी हैबिट, जैसा कि हमने हेल्दी डाइट के बारे में बताया, और एक्सरसाइज। तो तीसरे नंबर पर आ रहा है मित्रों, तो आप इसकी महत्ता को इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस स्लिप के बारे में बात करने से पहले मुझे लग रहा कि मैं सबसे पहले तो आपकी इसकी बुनियादी जानकारी दे दूं कि स्लिप होता क्या है। आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा कि जब से हम पैदा हुए तब से सो ही तो रहे, इसमें कौन सी खासियत है? आदमी तो खुद ही सो लेता है, इसके लिए कौन सी स्किल की जरूरत है? बिल्कुल सही आप बता रहे हैं मित्रों, इसके लिए कोई खास स्किल नहीं चाहिए। पर आप इसके बारे में जानिए कि किस तरह से ये हमारे प्रोडक्टिविटी और लाइफ स्पैन को भी अफेक्ट करता है। तो ये सबसे पहले जान लीजिए कि यह बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि 1/3 लाइफ का हम इसी सोने में बिताते हैं। इससे हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य पर असर पड़ते हैं मित्रों। यह 3 stages में माना जाता है। पहला होता है REM, REM आप बोल सकते हैं, जिसे बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट। दूसरा होता है नन REM स्लिप। तो इस तरह से मुख्यतः 2 का है। अब नन REM में ही 3 stages होते हैं, हम आगे चल के बात करेंगे। हमारे नींद के क्वालिटी जो है मित्रों, जिसे हम साउंड स्लिप बोलते हैं, ये कई फैक्टर पर असर करते हैं, इन पर प्रभावित होते हैं। जैसे कि हमारे फूड क्या हैं, जहां हम क्या फूड खाए हैं, मिल लिए हैं, और रूम टेम्परेचर क्या है, कई तरह के हमारे, हम सोच सकते हैं कि ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन अगर आपको तनिक भी स्लिप डिसऑर्डर है तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास अवश्य जाइए। बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं इस स्लिप डिसऑर्डर का, हम आगे चल के डिसऑर्डर के बारे में भी बात करेंगे। जनरली हम यही सोच लेते हैं कि क्या होता है, जब हम सोते हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा। पर मित्रों, आपको मैं यह बता दूं कि जब हम सोते रहते हैं तो हमारा मस्तिष्क काफ़ी काम करते रहता है, हमारा शरीर भी काम करते रहता है ड्यूरिंग एक्टिव स्लिप, जब हम करते हैं, यानी कि साउंड स्लिप करते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर के रेस्ट लेने की और रिस्टोर करती है एनर्जी को मित्रों, जो कि हम जगने के बाद हम इस्तेमाल करते रहते हैं। हमारे गुड नाइट स्लिप जो है कई तरह की समस्याओं से लड़ने के लिए मुकाबला की शक्ति देता है, हमें तनाव से, डिप्रेशन से भी बचाता है, कई तरह की समस्या का समाधान देता है, और हमें बीमारियों से भी निजात दिलाने की क्षमता रखता है। और अगर हम सही मात्रा में नींद नहीं ले पा रहे हैं तो यह कई तरह की हेल्थ कंडीशन को भी दे सकता है, जो कि हम महसूस करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यह हमारी जो सफिशियंट स्लिप है, ये लिंक्ड है हमारे बेहतर मूड से, हमारी कंसंट्रेशन से, हमारी मेमोरी से, और भी कई फैक्टर हैं जो कि हमारी अच्छी निद्रा से कनेक्टेड है। तो मेरा यही आग्रह होगा कि आप नींद में कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि इसी से आपकी उद्देश्य जो है, जीवन का गोल है, इसी पर निर्धारित करता है। हमारे बॉडी यूज करते हैं मित्रों यही REM जो मैंने बताया, रैपिड आई मूवमेंट जो स्लिप है, इसी दौरान हमारे शरीर में उन सेल्स की, टिश्यू की रिपेयर होती है, और
इनको एक बेस लाइन होते हैं बॉडी के फंक्शन का, वहां पर लाकर रखता है। और रात में क्या होता है, यही साइकिल जो है अलग अलग साइकिल में अलग अलग तरह के काम करते हैं। जैसा हमने बताया नन REM टू REM मूवमेंट होते हैं, हमारे शरीर और मस्तिष्क दोनों अलग अलग तरह से इन चारों फेज में काम करते हैं। नन REM में 3 स्टेज हैं और REM का एक फाइनल स्टेज है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो ब्रेन है मित्रों, ये केमिकल रिलीज करता है और ये स्लिप साइकिल में भी इन्वॉल्व होते हैं, उस समय भी इन्वॉल्व होते हैं। जो ये केमिकल कहलाते हैं, इन्हें कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये केमिकल हैं जो कि मदद करते हैं हमारे नर्व्स के कम्युनिकेट करने में। ये कंट्रोल करते हैं जब हम जगे होते हैं या हम जब नींद में भी रहते हैं। यह डिपेंड करता है कि वह न्यूरॉन्स नर्व सेल जो है वो कौन सा एक्टिव है। अभी न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन स्टेम में होते हैं मित्रों, जो कि हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जहां मिलती है, यही न्यूरॉन ये प्रोड्यूस करती है न्यूरोट्रांसमीटर, जिसे कहते हैं सीरोटोनिन और न्यूरोपाइनेफ्रिन कहते हैं। यही केमिकल्स हमारे मस्तिष्क को एक्टिव रहते हैं जब हम जगे होते हैं। न्यूरॉन्स अलग अलग जगह में इसके बेस में स्टार्ट होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमें नींद लाने के लिए, यानी कि हमारे न्यूरॉन्स के जड़ में वो हैं अवेलेबल, जो कि हमें नींद दिला देते हैं। यही न्यूरॉन्स जब टर्न ऑफ हो जाते हैं, सिग्नल कर देते हैं, टर्न ऑफ हो जाते हैं, तब हमारी नींद टूट जाती है। तो मित्रों अब मैं आपको बताता हूं कि नींद के क्या क्या लाभ हैं, ताकि आप लाइफ स्टाइल बेहतर कर सके, जो कि हमारे चैनल का लिविंग हैप्पीली का प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो पहला उद्देश्य यही है कि यह हमें ग्रोथ दिलाता है। हमारे अलग अलग एज में अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट होती है, तो बच्चों में और यंग एडल्ट में ग्रोथ दिलाता है यह डीप स्लीप। इसी तरह से हमारे शरीर में प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन का, ग्रोथ हार्मोन का यही रिस्पॉन्सिबल है। हमारे जो सेल नंबर ऑफ सेल्स ग्रोथ होते हैं डिवीजन के बाद और इन्हें रिपेयर करते हैं, ये स्लिप के दौरान ही होते हैं। इसके साथ ही नर्वस सिस्टम फंक्शन जो हमारे कंट्रोल होते हैं, अगर लैकनेस है इसकी, तो इससे हमारे मेमोरी है या हमारे परफॉर्मेंस है, प्रोडक्टिविटी है या एबिलिटी, आपकी संदिग्ध संशय में दुविधा में आप रहने लग जाएंगे। इसके साथ ही सर्वाइवल हमारे टाइम लाइफ स्पैन को भी बढ़ाता है। अगर आप सही से सो रहे हैं तो, और इसका उलट अगर नहीं सो पा रहे हैं तो आपके लाइफ स्पैन को छोटा करेगा। हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है मित्रों, और इसी कारण से कई तरह के इन्फेक्शन जो होते हैं उससे भी हमें प्रतिरोधक देता है। और अंत में मित्रों वेल बीइंग जो हमारा हाल चाल कहलाता है, हमारा हाल चाल कैसा है, यानी कि ओवरऑल जो मेडिकल कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन, जिसमें कि शामिल है ओबेसिटी, डायबिटीज या कई तरह के हार्ट प्रॉब्लम जो है, ये सब शामिल है, तो ये हमारे वेल बीइंगनेस को भी बढ़ाता है। अब मैं बात करूं कि स्टेजेज ऑफ स्लीप क्या है, तो मैंने जैसा बताया कि यह मुख्यतः दो है, नन REM यानी कि जिस समय हमारे आंख के रैपिड आई मूवमेंट नहीं हो रहे हैं, और दूसरा है जब रैपिड आई मूवमेंट हो रहे हैं। तो ये दोनों स्टेज में अलग अलग तरह के बेनिफिट होते हैं। तो नन REM में क्या होता है, हमारे बोन और मसल का निर्माण होता है, हमारे टिश्यू के रीजेनरेट होते हैं और रिपेयरिंग होता है। इसके साथ ही हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है या हमारे नन REM स्लिप घटने लग जाती है, और जैसे जैसे एडल्ट और बुजुर्ग होने लग जाते हैं, उनकी जो सोने की क्षमता है, नींद थोड़ी सी घट जाती है जवानी के इसमें, जवानों से कंपेयर करने में। अब REM आपको लग रहा होगा ये REM क्या है, तो आप इसके बारे में ही जान लीजिए कि जब हम REM स्लिप में जाते हैं, यानी कि रैपिड आई मूवमेंट में जाते हैं, तो हमारी ब्रेन एक्टिविटीज फिर से बढ़ जाती है। यानी कि जब स्लिप है तो यह है डीप स्लिप सिर्फ नहीं मान लीजिए, इसमें हमारी मस्तिष्क और भी तीव्र चलती है, इसमें एक्टिविटी लेवल
हमारे और भी ऐसी समान होते हैं जैसा कि हम जगे रहते हैं, तो इसीलिए हमें इंटेंस ड्रीम भी आने लग जाते हैं। कई बार आप देखते होंगे कि हम कुछ अचानक उठपटांग सा भी इससे देखने लग जाते हैं, और इस दौरान हमारे REM में परफॉर्मेंस में हाईएस्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या अर्ली चाइल्डहुड में उनका। फिर यही REM का जो ड्यूरेशन है ये घट जाते हैं एडोलेंस या यंग चाइल्डहुड में, फिर डिक्लाइन हो जाते हैं जैसे जैसे आप वृद्धावस्था में जाएंगे। अब हम आपको बता दें मित्रों कि क्या होता है ये REM स्लिप का असर हमारे शरीर में। तो यह आप जानिए कि यह हमारे मस्तिष्क के एक्टिविटीज को सक्रिय तो करता ही है, इसके साथ साथ ही हमारे मसल को भी रिलैक्स कराता है। हमारा शरीर एक सीरीज ऑफ चेंजेज में जाता है जब हम REM स्लिप यानी कि जो साउंड स्लिप बोलते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यह साउंड स्लिप हमारे लाइफ स्टाइल के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। इसके कारण ही हमारे फास्ट ब्रीदिंग हो जाते हैं, कई बार सोने में भी REM के दौरान हमारे ब्रीदिंग बहुत तीव्र गति से चलने लग जाती है, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर तक बढ़ जाती है, और ऐसा पाया गया है कि पेनाइल इरेक्शन भी हो जाते हैं, और इसके साथ ही हमारे रैपिड आई मूवमेंट होने लग जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि क्या क्या असर करता है, वो कौन कौन से चीज है। तो अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं मित्रों, स्मोकिंग कर रहे हैं यानी कि मदपान धूम्रपान किसी भी रूप में कर रहे हैं, तो यह असर डालता है आपके स्लीप की क्वालिटी पर। आप कैफीन ले रहे हो या सुडोफेराइन ले रहे हो, किसी तरह का ड्रग इंग्रेडिएंट ले रहे हैं, तो इसका भी असर आपके नींद पर पड़ेगा। इसके साथ ही आप कोई मेडिकेशन कर रहे हैं, इस तरह से कोई मेडिसिन ले रहे हैं किसी और मेडिकल कंडीशन के लिए, या बहुत ही हॉट टेम्परेचर या कोल्ड टेम्परेचर में है, तो इसका भी आपके नींद पर असर पड़ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कितना हमें सोना चाहिए। तो अगर छोटे बिल्कुल इन्फेंट की बात किया जाए तो वह तो 16 घंटे एक दिन में सोते हैं, और टोडलर और प्री स्कूल की बात कर ली जाए तो 12 घंटे तक सोते हैं, और टीनएजर की बात की जाए जब उनका बॉडी ग्रो करते रहता है तो उन्हें 9 घंटे की आवश्यकता होती है, और यही जब वयस्क हो जाते हैं तो 7 to 8 आवर्स उनकी जरूरत होती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि योग करके इस तरह से ध्यान करके वहाँ ध्यान में लगाते हैं और उसके मल्टीप्लाइड बाई 4 टाइम्स यहाँ स्लीपिंग आवर को घटा लेते हैं। तो हम ऐसा देख पा रहे हैं, कई महापुरुषों का हमने जीवनी पढ़ा है जिससे हमें पता लगा कि 2.5 से 4 घंटा ही वो सोते हैं और 24 आवर्स यानी कि अपने जीवन में काफ़ी कुछ किए हैं कम से कम सो कर भी, लेकिन उस सोने की समय को उन्होंने ध्यान में लगाया है जो कि सोने से ज़्यादा। क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी शरीर आराम तो करते रहती है पर ये माइंड यह जज नहीं कर पाता है, यह महसूस नहीं कर पाता है, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसकी अनुभूति भी करते रहती है, यानी कि टेस्ट लेते रहता है कि हमारा फुल बॉडी रिलैक्स कर रहा है। तो इस तरह से अगर आप स्किल सीख पाएं तो अपने स्लीपिंग आवर को घटा सके ताकि आप प्रोडक्टिव आवर, दिन में 24 घंटा ही सबको मिला है मित्रों, 24 घंटे में ही सबको सब कुछ करना है और एक दिन ईश्वर के पास जाना है। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रिसाइजली अपने फुल इफिशियंसी के साथ समय को इस्तेमाल करें तो नींद की टाइम तो घटाना पड़ेगा, पर सीधा घटाना नहीं है। अगर आप आम आदमी की तरह रहना चाहते हैं तो 7 to 8 आवर्स आपको चाहिए ही चाहिए। अब यह आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में अपने आप को रखते हैं, जिस कैटेगरी में रखते हैं उस तरह से आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि 1/3 तो हमें सोने में ही लग जाता है, अगर घटाना है तो फिर ध्यान में जाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग लोगों को, जो प्रेग्नेंट लेडी होते हैं इनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होते हैं इनको नींद ज़्यादा की ज़रूरत होती है क्योंकि एम्ब्रियो ग्रोथ होते रहता है। इस तरह से अब हम बात करते हैं कि क्या स्लीप डिसऑर्डर है। तो कई तरह के स्लीप ऑर्डर हैं, आप 500 तरह का स्लीप डिसऑर्डर मान सकते हैं। इसमें मैं कुछ यहाँ गिना रहा हूँ, जिसमें है इनसोमनिया जिसमें अनिद्रा नींद आती ही नहीं है, दूसरा है नार्कोलेप्सी, तीसरा है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम RLS हो जाता है, स्लीप एपनिया हो जाती है, स्नोरिंग खर्राटे लेने लग जाते हैं, इस तरह से कई तरह की हैं डिसऑर्डर। तो अगर ये डिसऑर्डर आ रहे हैं तो आप अपने
मेडिकल कंसल्टेंट के पास जाइए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाइए। तत्काल इस वीडियो के द्वारा तो मैं यही सलाह करना चाहूंगा कि क्या क्या करना है ताकि आप ये डिसऑर्डर में ना फंसें और अच्छी निद्रा, भरपूर निद्रा, साउंड स्लीप आप ले सके। तो आपके लिए सबसे पहला जो मैं सलाह देना चाहूंगा यही है कि आप एक स्लीप शेड्यूल रखिए, यानी कि सोने का समय एक तय कीजिए और जगने का भी तय कीजिए। तो मित्रों, अगर आपने जगने का समय तय कर लिया तो अपने आप जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लेट तक जगे रह जाते हैं, लेट से सोते ही है तो समय पर जग नहीं पाएंगे। तो जगने का टाइम आप कम से कम तय कर दीजिए, तो अकॉर्डिंगली आप सोने का भी कर देंगे। तो एवरी डे आप एक शेड्यूल बना लीजिए, यहाँ तक कि वीकेंड में या कोई वैकेशन में है, लॉन्ग हॉलीडे में है, वहाँ भी आप इस शेड्यूल को फॉलो कीजिए। इसके साथ ही अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर करके ही बेड पर जाइए। कोई दुविधा, संशय, कोई प्लानिंग, कोई प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बेड पर मत जाइए, बेड पर सिर्फ सोने के लिए ही जाइए। ऐसा कोई टू डू लिस्ट अगर है, कल क्या करना है या क्या नहीं कर पाए कुछ है, तो इसे शाम में ही आप कर लीजिए, ताकि रात में जाकर बेड सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल कीजिए और कुछ भी नहीं। इसके साथ ही एक गुड इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए, बिस्तर है, वहाँ रूम है, इस तरह से कुछ भी अनवांटेड क्लटर्ड बेड नहीं होना चाहिए, वहाँ आसपास कुछ नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन की सफिशियंट प्लेसेस होना चाहिए। इस तरह से आप इन्वायरमेंट बना लीजिए, आप पिल्लो, बेड शीट, जो भी रखना चाहते हैं उसे कंफर्टेबल रख लीजिए। आप लाइट को ऑफ कीजिए, अगर ज़्यादा साउंड आ रहा आप साउंड को कंट्रोल कर सकते हैं तो कंट्रोल कीजिए, खिड़की बंद कीजिए, दरवाज़ा बंद कीजिए, तो साउंड और लाइट को आप ज़रूर कंट्रोल कीजिए। आप एक कंफर्टेबल टेम्परेचर में भी ले आइए, ताकि आपकी नींद में ये ना हो। और दिन की शुरुआत, जैसा कि हमने बताया कि लाइफस्टाइल के लिए सेकेंड पिलर है एक्सरसाइज, तो उसका जरूर आप पालन कीजिए, सप्ताह में 5 दिन तो कम से कम, क्योंकि एक्सरसाइज जब करते हैं तो आपका शरीर मसल टूटेगा और उसे रिपेयर के लिए नींद चाहिए ही चाहिए, तभी वो सेल और टिश्यू रिपेयर हो पाएंगे। तो आपको एक्टिव रहना है सारे दिन, तभी जाके अच्छी नींद भी आएगी। और अंत में बताऊं कि रिलैक्स कीजिए बिफोर बेड पर जा रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट आप उससे पहले थोड़ा सा आप अगर स्नान कर सकते हैं तो स्नान कीजिए, या कोई और दूसरा रिलैक्सिंग एक्टिविटीज कर लीजिए। आप कोई स्वीट म्यूजिक सुन सकते हैं, लेकिन स्क्रीन से तो मेरा सलाह यही है कि सोने जाने से पहले कम से कम 1 घंटा या 1/2 आवर तो जरूर ही रख लीजिए, 1/2 आवर तो स्क्रीन से बिल्कुल ही दूर रहिए सोने से पहले। और इसके बावजूद भी अगर आपको ज़्यादा ही समस्या हो रही है तो आपको जाना ही पड़ेगा हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि वो कौन कौन सी चीज़ नहीं करना है अगर आपको अनिद्रा की शिकायत हो रही है। तो आप कॉफ़ी जो है, चाय, कॉफ़ी जो कैफीन प्रोडक्ट है, निकोटीन है, अल्कोहल है, इनको लेट आवर में अगर एट ऑल लेते हैं तो लेट में मत लीजिए, क्योंकि ये आपके एबिलिटी में इंटरफेस कर सकते हैं, नींद आने में काफ़ी देर कर देंगे। आप ऐसे फालतू फंड का मत लेटिए बेड पर, सिर्फ जब सोना ही हो तभी जाइए। निगेटिव थाउट मत रखिए, कुछ आज हम नहीं कर पाए, ऐसे करना था, ये सब निगेटिव थाउट्स के साथ आप बेड पर बिल्कुल ही मत जाइए। अब आप समझ ही गए होंगे कि यह वीडियो लंबा हो चुका है, तो अब इसे हमें समराइज करना पड़ेगा। तो हम जैसा समझते हैं कि नींद में कुछ भी नहीं करना है, नींद तो बड़ा ही आसान है, तो यह आप जान लीजिए मित्रों कि यह हमारे लाइफ का बड़ा ही एसेंशियल पार्ट है। एसेंशियल का मतलब ही आप समझ पा रहे होंगे कि यह हमारे जीवन के लिए जरूरी है। यह हमारे बॉडी को रेस्ट दिलाता है, रिचार्ज करता है, रिपेयर करता है। और हमने यह भी कवर किया कि 4 स्टेजेज हैं, जिसमें नन REM का 3 स्टेज है और REM स्लिप का 1 स्टेज है। इसमें कई फैक्टर्स लागू होते हैं, जैसे स्लिप क्वालिटी क्या है, हमारे फूड और ड्रिंक क्या लिए, इसके सोने जाने से पहले रूम टेम्परेचर क्या है। तो ये सबको अगर आप ध्यान देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा अनुभव करते हैं स्लिप में प्रॉब्लम यदा कदा कर ही लेते हैं, लेकिन आपको जब ज़्यादा ही आने लगे, स्लिप डिसऑर्डर से आप ग्रस्त हो गए हैं, तो आप ज़रूर हेल्थ केयर प्रोवाइडर से आपने बात कीजिए, डिस्कस कीजिए। कॉमन स्लीप ऑर्डर हमने देखा है कि इंसोमनिया है, जिसमें कि हमें नींद ही नहीं आती है, और स्लीप एपनिया है, जिसमें ब्रीदिंग ट्रबल हो जाते हैं सोने के दौरान। तो आपके प्रोवाइडर
मदद करेंगे। तत्काल लिविंग हैप्पीली के इस बड़े वीडियो में आप हमारे साथ योग करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए। और इस थर्ड वीडियो में हमने बताया है कि कैसे लाइफस्टाइल को और बेहतर बना सकते हैं। हम फिर अगले वीडियो में आ रहे हैं जहां चौथे पॉइंट की जिक्र करने जा रहे हैं, किस तरह से और भी बेहतर अपने जीवन को कर सकते हैं। आप हमारे साथ अपना जीवन का बहुमूल्य समय दिया और यह मेरा दायित्व तो होता है कि उस बहुमूल्य समय का कीमत जो आपका होता है उससे ज्यादा मैं आपको लौटाऊं। मेरा सदा यही ईमानदारी पूर्वक प्रयास होता है, आपके समय का कीमत मैं पाई पाई करके चुकाऊं और उससे ज्यादा चुकाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। सप्रेम धन्यवाद नरेंद्र कुमार की ओर से।